अगर अगर प्यारे बच्चों देखोगे इस वाले क्वेश्चन को, अगर तुम देखोगे बेसिकली, तो ये देखो, अगर तुम इसको देखोगे तो ये स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। अगर किसी हाइट से मैं स्टोन को गिराता हूँ, लेट अस कंसीडर दिस इज द हाइट, तो अगर इस हाइट से मैं किसी स्टोन को ड्रॉप करता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज द हाइट एच, तो अगर मैं इस एच हाइट से यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप करता हूँ, दिस इज द स्टोन ड्रॉप यू इज इक्वल टू जीरो, तो कहता है वो ग्राउंड जो है, ग्राउंड तक आने में उसको 5 सेकेंड लग जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, 5 सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये तो पहला केस हुआ, स्टोन ड्रॉप मतलब 3 सेकेंड, यहाँ से मान लो 3 सेकेंड गिरने के बाद यहाँ से टाइम लग गया 3 सेकेंड, और ये हाइट एच वन चला, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो ये हाइट एच वन चला 3 सेकेंड पाल, तो ये जो रिमेनिंग अब यहाँ से जो आएगा ये वाला टाइम, इस वाले टाइम में कितना लगेगा ये नहीं हमें निकालना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए एच और एच वन की कैलकुलेशन मैं करता हूँ, तो एच की कैलकुलेशन करने के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा देता हूँ पूरी बिल्डिंग के लिए, ठीक है, ऊपर से नीचे, तो माइनस एच इनिशियली 0 और माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ और टाइम यहाँ 25, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो एच जो आ जाएगा 125 मीटर की बिल्डिंग की हाइट रही होगी, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो 125 मीटर अगर बिल्डिंग की हाइट रही होगी ये, तो तुम देख रहे होगे यहाँ से, हाँ, अब एच वन की वैल्यू निकाल लो, तो एच वन की जो वैल्यू आ जाएगी, एच वन की वैल्यू एच माइनस एच वन की वैल्यू हमें निकालना है, तो एच वन की वैल्यू तुम देखोगे, चलो मान लेते हो ये डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स भी निकालना पड़ेगा मुझे, पहले एच वन निकाल लेते हैं, तो फॉर एच वन के लिए यही इक्वेशन लगा देते हो, तो माइनस एच वन इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस हाफ 10 g और ये 3 का स्क्वायर 9 दैट इज यहाँ से 5, तो एच वन की वैल्यू आ जाएगी 45 मीटर, ठीक ना, तो ये आ जाएगा 45 मीटर में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच माइनस एच वन, तो एच की वैल्यू 125 मीटर और माइनस है 45, पहले से ही कैलकुलेट किए हो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, तो 80 मीटर ए आ जाएगा, ठीक है ना, तो एट्टी मीटर ए आ जाएगा यहाँ से, तो अगर 80 मीटर आ गया तो 80 मीटर गिरने में कितना टाइम लगा, यही तो मुझे चाहिए यार, तो 80 मीटर गिरने में अगर तुम टाइम यहाँ पे रोक दिए हो मतलब स्टॉप कर दिए हो, स्टॉप कर दिए तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो एस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 80 मीटर और हाफ और एक्सलेशन यहाँ से 10 t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 16 कट जाएगा, तो टाइम टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अंडर रूट, मतलब 4 सेकेंड लगा होगा रोकने के बाद जो है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल सोल्यूशन जो है वो 4 अपना सही है। थैंक यू।